झांसी से एक मामला सामने आ रहा है जहां सुन्नी बख वार्ड में मदरसे के नाम से दर्ज संपत्ति का कूट रचित कर दस्तावेज तैयार किया गया। इसके बाद उस दस्तावेज को बेनामा कर जबरन कब्जा कर लिया गया। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सर, हमारे अलियाई मोहल्ला में 40 साल पुराना मदरसा था जो बब माफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। इसके लिए हम लोग एक साल से संघर्ष कर रहे, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक हम लोगों ने सारे पत्रों के माध्यम से सूचित भी कराया। तो इसमें साहब इन लोगों की पकड़ इतनी है कि हम लोग बबोर्ड सरकार को भी, बबोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग जांच करा चुके। इसके बाद भी कुछ कमेटी इन्हें कमेटी बना दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों की कमेटी बनाई 12 सदस्यीय। इसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बफ माफिया इतनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं, काबज किए करके उसको बेच दिया गया है। 918 के नाम से हमारा ये बफ की प्रॉपर्टी है, इसको नगर में ही एक व्यक्ति को क्रय विक्री कर दी गई। अभी कमेटी की तरफ से क्या करके तुम लोगों ने कार्रवाई? हम लोगों ने साहब डीएम साहब को भी पत्र के माध्यम से एप्लीकेशन दी है, इसके उचित कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारा भी अपनी जांच बोर्ड को भी जांच के आदेश दिए कि इसका हमारा कब्जा दिलाया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? मैं तहसील दिवस में डीएम साहब के सामने आया हूँ, मैं कब्जा दिलाने के संबंध में ये हमारी एप्लीकेशन है। हाँ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश करें, अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश दिए कि ये उसकी छाया प्रति है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।